इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के दिन हम सर्वपित्र अमावस्या का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना दादाजी का परदादाजी का श्राद्ध कर दिया तो आप मुक्त हो। इट इज ऑल अबाउट, ये करना ही है आज के दिन, कि आज के दिन दान करना ही है। क्यों दान करना है? दान इसलिए करना है क्योंकि हम जब किसी को देते हैं इस भाव से देते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों के हाथ से जो होना था या उनका कुछ फंसा हुआ था, उनकी कुछ डिजायर थी, उसके स्वरूप में देते हैं। आज के दिन ध्यान करना ही है। क्रिया करने से पहले बोला दीदी ने कि इस क्रिया का पुण्य आपके पितरों को जाए, ऐसे भाव से कीजिए। शास्त्र में ये लिखा है कि आप इस पृथ्वी पर जो भी करते हैं उसका 25% एनीवेज आपके पितरों को जाता है। इट्स लाइक अ टीडीएस विच यू पे टू योर पितर्स, राइट? द वे यू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस कंट्री। So same way you have to pay TDS to the Pitris, कि हम आपकी वजह से इस पृथ्वी पर है और इसलिए आप कोई दुष्कर्म करते हो तो भी उनको जाता है। और इसलिए चार्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। सॉरी, आई हैव टू कवर द चार्ट। एक होता है पितृ दोष और एक होता है पितृ ऋण। पितृ दोष मतलब राहु केतु सूर्य की पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन में जब होती है तो वो पितृ दोष आता है और वो पीढ़ियों तक चलता है। हम जब चार्ट देखते हैं तो वो माता में, पिता में, बच्चे में, दादा में, पीढ़ियों तक चलते। क्यों? इसी जमाने में पितर क्या करेंगे? हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, ओमेंस भेजते हैं हमें, हमारे लिए कुछ कर दो, हमारे पास बॉडी नहीं है, हमको ऊपर लेके जाओ, बट हमारे नहीं सुना। सो वो एक कर्ज की तरह आता है। और आज का दिन है पितृ ऋण उतारने का, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर तो उन्हीं की वजह से है ना, तो उनके ऋण से तो आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। इसलिए एवरी ईयर यू डू दिस। पितृ दोष और पितृ ऋण, इनसे मुक्त करने के लिए पितृ सर्व पितृ अमावस्या में आप तर्पण करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, गरीबों का मदद करते हैं, इस भाव से कि आपके पितरों के पास में वो पहुंचे। साइंटिफिकली ऑल्सो एंड पुराण के हिसाब से कुल मिलाकर 1008 जगह हैं हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, जहां से वो उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इट्स लाइक आपने वहां पर वो किया और सीधे उनको पहुंचा। हॉटलाइन है जिसमें कि बहुत फेमस है गया जी या प्रयागराज या काशी बद्रीनाथ, ये बहुत फेमस है, बड़े से 1008 है। तो जब हम आज पितृ अमावस्या पर ये करते हैं, फिर कल से अश्वनी जो चालू होता है वहां से नवरात्र चालू होता है।